व्यापारिक तौर पर बाजार में बड़े ब्रांड्स के नामों से आने वाले सभी घी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है किमोज किचन घी, क्योंकि एक लीटर असली या शुद्ध घी 25 से 30 लीटर दूध से बनता है। धीमी आंच पर बिलोना प्रोसेस के साथ बनाए गए घी में न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन्स भारी मात्रा में होते हैं। किमोज किचन घी शुद्ध ऑर्गेनिक बिना मिलावट के देसी और पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। किमोज किचन घी खासकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही बोन्स और मसल ग्रोथ में भी मदद करता है। किमोज किचन घी ऑर्डर करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। झूठी शादी कर लोगों को ठगने वाला गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे, दुल्हन समेत 9 लोग हुए गिरफ्तार, 50 युवकों से कर चुके अब तक ठगी। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर हुई भयानक दुर्घटना, 5 लोगों की हुई मौत। थाने क्राइम ब्रांच यूनिट ने 7 माउजर और असला समेत किया एक को गिरफ्तार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर की एचआर तेज खबरों में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली एचआर तेज खबर पुणे ग्रामीण इलाके से है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ज्योति रविंद्र पाटिल, उम्र 35 वर्ष, मूल रूप से केसनंद फाटा वाघोली की रहने वाली है, इसको गिरफ्तार किया। इसके साथ इसके और 8 साथियों को गिरफ्तार किया है जिसमें महिलाएं भी शामिल है। आपको बता दें, ज्योति पाटिल ये युवकों से शादी करने का झांसा देती थी, शादी रचाती थी और उसके बाद शादी किए गए युवक के घर से जेवर, पैसा, कपड़ा आदि कीमती सामान लेकर अपने गिरोह की मदद से ये सब उठा करके फरार हो जाती। ऐसे ही एक मामले में पुणे के मावल परिसर के एक 32 वर्षीय युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए इन 9 लोगों के गिरोह को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। अब तक ये पता चला है कि 50 युवकों से अब तक शादी का बहाना करके या शादी रचा करके ये गिरोह उन्हें लूट चुका है। एचआर तेज खबरों में हमारी दूसरी खबर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के खोपोली टोल प्लाजा से पहले 16 फरवरी सुबह तड़के एक भीषण दुर्घटना हुई जिसमें एक तेज गति से आते ट्रक ने 2 कारों को पहले टक्कर मारी, उसके बाद और सामान ढोके ले जाने वाले कुछ गाड़ियों को टक्कर मारी। इस विचित्र दुर्घटना में कार में सवार और अन्य गाड़ियों में सवार कुल 5 लोगों की मौत हुई है, वहीं अन्य 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। जिन 5 लोगों की मौत हुई है उसमें नवी मुंबई मनपा के अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर वैभव वसन झंझारे समेत उनके परिवार के लोग भी हैं, उनकी पत्नी, उनकी माता, उनकी बेटी, पत्नी वैशाली वैभव झुंझारे, माँ जो है उषा वसंत झुंझारे, बेटी श्रिया वैभव झुंझारे, ये ऐसे तमाम 4 लोग मारे गए। वहीं गोरेगांव निवासी मंजू प्रकाश नाहर भी इसमें मृत हो गई है, जबकि स्वप्निल सोनाजी कामले 30 वर्ष ये भी गोरेगांव निवासी है, प्रकाश हेमराज नाहर ये भी गोरेगांव निवासी है, नवी मुंबई के झंझारे परिवार अर्णव वैभव झंझारे, किशन चौधरी, कालूराम जमनाजी जाट, ये ऐसे ये 5 लोग जो है जख्मी हुए हैं। किस तरीके से दुर्घटना हुई थी उसका घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। एचआर तेज खबरों में हमारी तीसरी खबर छाने से है। छाने पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नितिन ठाकरे, सहायक पुलिस निरीक्षक यानी एपीआई प्रफुल्ल जाधव की टीम ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो यहां पर अवैध रूप से माउजर और असला बेचने आया था। थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम द्वारा पकड़े गए आरोपी का नाम कैलाश सिंह महेंद्र सिंह चावला है, जो कि मूल रूप से मध्य प्रदेश के जिला धार तहसील गांधवानी का रहने वाला है। पुलिस ने इसको थाने के साकेत रोड से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान इसकी जो तलाशी ली गई उसमें पुलिस ने इसके पास से 7 माउजर पिस्तौल, 2 मैगजीन, 20 जिंदा कारतूस बरामद किए, जिनकी बाजार में तकरीबन 1,88,000 रुपए कीमत बताई जा रही है। ये थी हमारी आज की एचआर तेज खबरें। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली एचआर तेज खबरों के साथ।